मैं विनोद सर आज टेली डॉट ईआरपी 9 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 16 में हम आज सीखेंगे कि स्प्लिट कंपनी डेटा क्या है, स्प्लिट कंपनी डेटा का यूज कैसे करते हैं। तो स्प्लिट कंपनी डेटा का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें टेली डॉट ईआरपी 9 के सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। टेली डॉट ईआरपी 9 के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए मॉनिटर के स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट आइकन टेली डॉट ईआरपी 9 का डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे जाकर के माउस के राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है। जैसे ओपन पे जाएंगे माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे टैली डॉट ई आर पी 9 का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ओपन हो जाएगा। तो जैसे टैली डॉट ई आर पी 9 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ओपन होता है, टॉप में हमारा स्टार्टअप का ऑप्शन आता है। हमें टैली में वर्क करना है, काम करना है, तो वर्क करने के लिए हम वर्क इन एजुकेशनल में मोड पे आ सकते हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आने के लिए हम कीबोर्ड के डाउन एरो की का यूज करके भी वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आ सकते हैं, या तो अल्ट प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की होती है, अल्ट प्लस डब्ल्यू से भी हम वर्क इन एजुकेशनल मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या माउस के लेफ्ट बटन को जैसे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाकर के दो बार क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड एक्टिवेट हो जाएगा। हम डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पे आ सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद सबसे पहले हम कंपनी इन्फो में जाएंगे। कंपनी इन्फो में जाने के लिए सबसे पहले तो हमें फंक्शन बटन बार में जाना पड़ेगा। फंक्शन बटन बार में यहाँ पे कंपनी इन्फो का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आएंगे, स्केप से बैक आएंगे। अगर हमें कीबोर्ड से कंपनी इन्फो में जाना है तो हमने बताया था किसी भी अल्फाबेट किसी भी फंक्शन की के नीचे अगर सिंगल लाइन आती है तो अल्ट का यूज करेंगे, अगर किसी भी फंक्शन की अल्फाबेट के नीचे अगर डबल लाइन आती है तो कंट्रोल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे F3 के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, इसलिए हम अल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हम कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी नेम में हमारी ABC कंपनी खुली हुई है, इसे सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम सेट पे जाकर के जैसा एंटर करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी आ गई। यहाँ पे हमें किस कंपनी को बंद करना है, तो यहाँ पे हमें ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बंद करना, हमने कंपनी को बंद कर दिया। हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में आएंगे। जैसे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में आएंगे, सी से भी हम कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, एंटर की प्रेस करके भी हम क्रिएट कंपनी कर सकते हैं, या डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे डायरेक्ट हमारा कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद टॉप पे हमारा डायरेक्टरी आता है। हमने बताया टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे टैली की जितनी भी फाइल है उस ड्राइव में जाकर के इंस्टॉल होती है, जिस ड्राइव में हमारी विंडो पड़ी होती है। हमारी विंडो सी ड्राइव में पड़ी हुई है। अब हम कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमारी कंपनी यूजर में जाएगी, पब्लिक में जाएगी, टैली डॉट ई आर पी 9 और डेटा में जाकर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे, हम आएंगे नेम में, हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम टाइप करेंगे जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट डॉट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे टाइप करेंगे। मेलिंग नेम के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, जब हम अपने कस्टमर को कोई भी गुड सेल करते हैं, जब इनवाइस रज करते हैं, तो जो नेम यहाँ पे ऐड करेंगे वही नेम सेम हमारे इनवाइस पे प्रिंट होकर के आएगा। मेलिंग नेम के बाद हमारा आता है एड्रेस, यहाँ पे हम उस कंपनी का एड्रेस टाइप करेंगे जहाँ पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 11B नियर विशाल मेगा मार्ट नानक लोई न्यू दिल्ली, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का एड्रेस टाइप करेंगे। इसके बाद आता है कंट्री। हमने बताया टैली एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हम उस कंट्री को सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री में हम वर्क कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हम इंडिया में वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। इंडिया में टोटल 28 स्टेट होते हैं, 9 यूनियन टेरेटरी स्टेट होते हैं, तो हम प्रेजेंट टाइम में किस स्टेट में वर्क कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दिल्ली टाइप करेंगे। इसके बाद आता है हमारा पिन कोड, तो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का हम यहाँ पे पिन कोड टाइप करेंगे 11001, इसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो भी कंपनी का मालिक होगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल को फीड करेंगे, भरेंगे। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का फोन नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। अगर हमारी कंपनी का फैक्स नंबर दिया हुआ तो टाइप करेंगे, नहीं दिया होता ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे हम अपनी कंपनी की ईमेल आईडी टाइप करेंगे, तो हमारी कंपनी की ईमेल आईडी है डिजिटल फाउंडेशन सम ऑनलाइन एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट
कॉम एंटर करेंगे, यहाँ पे हम वेबसाइट टाइप करेंगे www.digitalfoundation.online। इसके बाद हम यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर टाइप करेंगे और बुक बिगिनिंग ईयर टाइप करेंगे। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2019 है और जो बुक बिगिनिंग ईयर है वो भी 1/4/2019 है, क्योंकि हमने बताया था कि जो टैली है, टैली में हम टोटल 12 मंथ तक रिकॉर्डिंग करते हैं। हम 12 मंथ के रिकॉर्डिंग करने के बाद हम चेक करते हैं कि इन 12 मंथ में हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। करने की मीन्स हम अपनी कंपनी को 31 मार्च को बंद कर देते हैं और 1 अप्रैल से ओपनिंग करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे 1/4/2019 टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद इसको एंटर करके सेव कर देंगे। बेस ऑन करेंसी हमने बताया था कि जैसे हम अपनी कंट्री को चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी बेस ऑन करेंसी चेंज हो जाएगी। और इस कंपनी को हमें सेव करना है, स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है, तो एंटर एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए से हम स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट कंपनी डेटा का यूज कब करते हैं, क्योंकि अभी जो हमने कंपनी बनाई थी 1/4/2019 बनाई थी, अगर हमें 1/4/2019 वाली कंपनी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम कभी भी अल्टर कंपनी का यूज नहीं करते। अल्टर से अगर हम अपनी कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जैसे हम अल्टर में जाएं एंटर करेंगे, अगर अल्टर में जाकर के अगर हम अपनी कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इसके अंदर जो भी हमने वर्क किया था, जितने नंबर ऑफ एंट्री हमने पास किया था, सारी की सारी जो एंट्रीज है वो डिलीट हो जाएगी। तो कभी भी अगर हमें अपनी कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम अल्टर में जाकर के कभी भी अपनी कंपनी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 1/4/2019 टाइप कर रहे थे। अब हमें कैरी फॉरवर्ड का मतलब जब हम 31 मार्च को अपनी कंपनी को क्लोज करेंगे, हमें उस कंपनी को 1/4/20 में लेके जाना है। तो 1/4/20 में लेके जाने के लिए अगर हम अल्टर से 1/4/2020 यहाँ पे टाइप करेंगे तो जो 1/4/2019 वाली कंपनी के अंदर जितने भी हमने टोटल 12 मंथ तक ट्रांजेक्शन पास किया था, सारा जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसलिए कभी भी हम अल्टर में जा करके अपनी कंपनी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें अपनी कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना है, 1/4/2020 में लेके जाना है, तो पहले तो हम इससे बैक आ जाएंगे। बैक आएंगे सीधे हम जाएंगे स्प्लिट कंपनी डेटा पे। जैसे स्प्लिट कंपनी में डेटा में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, यहाँ पे हमारी कंपनी का नेम शो हो रहा है। सबसे ऊपर स्प्लिट कंपनी डेटा का ऑप्शन आ गया। हमने कंपनी किसके नाम से बनाया था, डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्प्लिट फॉर्म। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी की डेट टाइप करेंगे जिसका डेट से हमें स्प्लिट करना, तो 1/4/20। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ गया, फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी। फर्स्ट कंपनी हमारी 1 अप्रैल 2019 और सेकंड कंपनी 1 अप्रैल 2020। अब हम इस विंडो को एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कंपनी हमारी स्प्लिट हो गई। अगर नो करेंगे तो स्प्लिट नहीं होगी, जैसे इसको एंटर करेंगे यस करेंगे हमारी कंपनी स्प्लिट हो गई। जैसे हम मीन्स टैली की मेन स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में हमारे पास डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड 1/4/2019 दिखा रहा है, डिजिटल फाउंडेशन 1/4/2020 दिखा रहा है। ये कंपनी ऑलरेडी हमारी स्प्लिट हो चुकी है। अब इस चैप्टर में हमने सीखा कि स्प्लिट कंपनी होता क्या है और स्प्लिट कंपनी को तोड़ते कैसे है। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी बुक की नीड है तो आप इंस्टामोजो और अमेजोन पे जाकर के आप बाय नाउ कर सकते हो। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।